पाठशाला पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आया उस पे। उसी के आधार पे उससे हम मोटिवेट होके आज हम लोग मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और एक कंप्लीट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त आपका हो। और इसमें एकदम शेड्यूल से आपको डेली बेसिस पे एक एक वीडियो मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है और आप देखते रहिए बीएचयू पाठशाला और इसी पे आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम लोग एक मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, सीरीज का एक चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज। एवरेज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। एवरेज को बोलते हैं औसत। औसत एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपको तो। और हम लोग इसमें देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसको कितने आसान तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, एकदम सीधा सा। जैसे कि मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप बाहर में रह रहे हैं और आपके डेली के खर्चे जो है, जैसे आप किसी दिन अगर सब्जी बनाते हैं तो 30 रुपया खर्च हो जाता है, किसी दिन आप चिकन बना लेते हैं तो आपके 100 रुपए खर्च हो जाते हैं, किसी दिन आप कपड़ा खरीद लेते हैं तो आपके 200 रुपए खर्च हो जाते हैं, किसी दिन आप बाहर खा लेते हैं तो आपके जो है 60 रुपए खर्च हो जाते हैं, और किसी दिन आप अगर कुछ ऐसा खा ले जिसमें बहुत कम पैसा खर्च हो 10। तो आप ये पहले देखेंगे कि कुल 5 दिनों में हमारा लगभग कितना खर्च हो गया। तो अगर कुल 5 दिनों के खर्च की बात करें तो कुल खर्च हमारा हो गया 400 रुपए। ठीक है, कुल खर्च हमारा हो गया 400 रुपया और ये खर्च कितने दिनों का है? 5 दिनों का। 5 दिनों का खर्च हो गया है हमारा 400 रुपए। तो लगभग 1 दिनों पे कितना पड़ गया? 1 दिनों पे आपका पड़ गया 80 रुपया। तो ये जो लगभग आया है 1 दिन का खर्च, यही कहलाता है औसत, जो आप लगभग 1 दिन पे खर्च करते हैं। दूसरी बात, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम आप लोग। जैसे कोई दोस्त, एक आदमी है जो एक दिन 3 रोटी खाता है, दूसरे दिन 5 रोटी खाता है, तीसरे दिन 7 रोटी खाता है, चौथे दिन वह फिर 5 रोटी खाता है और छठवें दिन वो व्रत रहता है, छठवें दिन कुछ भी नहीं खाता। तो ये पूरे 5 दिनों का हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 दिनों का हो गया। पहले दिन उसने 3 खाया, दूसरे दिन 5 खाया, तीसरे दिन 7 खाया, फिर चौथे दिन भी 5 खाया और पांचवें दिन उसने कुछ खाया ही नहीं। तो 5 दिनों का अगर हमने उसका देखा तो 5 दिनों का हमारा उसका हो गया कितना? 20। कुल उसने 20 रोटी खाई। तो हम ये पता करेंगे लगभग वो 1 दिन में कितना खाया। तो ये कुल 5 दिनों में उसने 20 खाया, तो 1 दिनों में लगभग कितना खाया उसने? 4। यही 4 क्या कहलाता है? औसत। तो आप बहुत आसानी से औसत निकाल सकते हैं। जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि लगभग 1 दिन का खर्च कितना है, तो लगभग जो आ रहा है वही क्या कहलाता है? औसत। औसत का मतलब एकदम बीच में, एकदम बीच में। जैसे आप कोई यात्रा कर रहे हो, आपकी जाते समय दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो और आते समय दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए आपकी औसत चाल क्या थी। तो औसत चाल मतलब लगभग आप कितना चले। तो जाते समय 40, आते समय 60, मतलब आपने कुल कितना? 100। और ये 2 तरह की दूरी है इसलिए आपकी औसत चाल लगभग कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर क्या समझ में आया? जैसे कि औसत बराबर होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सबका, तो पहले योग लिखा हुआ है, कुल योग, योग अब बटे में हमने भाग दिया है कुल संख्याओं से, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये होती है कुल संख्या। ठीक ना, कुल संख्या। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा निकल जाएगा औसत। अब हम देखते हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक ना, लगातार संख्याओं का औसत। औसत मतलब एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच आपको यही पता करना है। तो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड आज तक लोग बताए हैं, मैं बहुत आसान करने की कोशिश करूंगा जो आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं पूछूं कि लगातार संख्या 1, 2, 3, 4,
पांच है इसका औसत क्या होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं एकदम बीचों बीच में नंबर क्या है, तीन, यही इस संख्या का औसत होगा। चाहे तो आप जोड़ के देख सकते हैं, एक तीन छह चार दस पांच पंद्रह, कुल योग कितना हो गया, पंद्रह। ये कुल योग कितनी संख्याओं का है, एक दो तीन चार पांच संख्याओं का, औसत कितना आ गया, तीन। तो औसत हमेशा जो है बीच में ही आता है। दूसरा भी आप देख सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए 12, 13, 14, 15, 16 का औसत क्या होगा, तो देखिए दो इधर दो इधर, बीच में क्या बचा है, 14, यही इस संख्या का औसत होगा। तो जब भी आपसे लगातार संख्याओं का औसत पूछे, औसत हमेशा बीच में आएगा। अच्छा, ये तो मान लीजिए छोटी संख्या है, बीच का तुरंत निकल जा रहा है। जैसे पूछे कि बताइए 1 से 100 तक की संख्याओं का या 59 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 59 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको बीच में अब निकालना बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसे मतलब क्या करते हैं औसत के लिए, जब भी लगातार संख्याओं का दे, लगातार संख्याओं का औसत, तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2 करते हैं, औसत निकल जाएगा। जैसे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या 1 और 5 बटे में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये करेंगे 12, 14 कर देंगे, 12, 16 कर देंगे हो जाएगा 28 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 14। तो औसत क्या होता है, लगातार संख्याओं का औसत होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। तो यहां भी वही करेंगे, 1 प्लस 59 बटे में 2 मतलब कितना आ जाएगा, 30। तो औसत निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे आप बिना किसी फार्मूले के औसत निकाल सकते हैं। अब तो ये जैसे ये विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 आपने बीच में निकाल लिया, सपोज करिए ये संख्या 4 ही होती तो अब बीच में क्या है, अब बीच में तो कुछ है ही नहीं, ये 2 इधर निकल जाएगी और 2 इधर निकलेगी तो बीच में क्या है, तो ये बीच में औसत है, 2 और 3 के बीच का क्या है, औसत है। 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर, बीच में आया ये और यही औसत है। तो 2 और 3 के बीच में है क्या, 2 और 3 के बीच में है 2.5, तो इस संख्या का औसत कितना है, 2.5। आगे और भी देख लेते हैं, जैसे आप देखिए 14, 16, 18, 20 का औसत बताइए, तो 2 को इधर हटाइए, 2 को इधर, यही बीच में औसत होगा। ठीक है, तो बीच में औसत, बीच में क्या है, 16 और 18 के बीच में, तो 16 और 18 के बीच में कितना आता है, 17, यही इस संख्या का क्या है, औसत। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक ना, पहली प्लस आखिरी संख्या 20 और 14 कितना हो गया, 34 बटे में 2 कितना आ गया, 17। आप एकदम आसानी से किसी भी संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा लगातार संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार संख्याओं का औसत। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 से 99 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 99 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो निकालने का एकदम आसान तरीका, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे में 2, 1 प्लस 99 बटे में 2 मतलब 100 बटे में 2, और 100 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 50, यही औसत है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का औसत बताइए। ठीक है, औसत निकालने का अगर हम देखें तो ये है इधर और ये है इधर, बीच में क्या रहे, 7, यही औसत है। नहीं तो इनको निकालने का एक और तरीका है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, 13, 1, 2 करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब ये फार्मूला हर जगह काम आएगा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, जहां भी लगातार संख्याओं की बात होगी। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि लगातार सम संख्याओं का औसत, जैसे 6, 8, 10, 12, 14 का औसत बताइए। आप देखिए इधर ये निकला, इधर ये निकला, बीच में क्या है, 10, यही संख्या का औसत है। नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या 6 प्लस 14 बटे में 2 बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे, कि गुणज का औसत बताइए, मल्टीपल का औसत बताइए। जैसे पूछा जाए कि 7 के प्रथम 5 मल्टीपल का औसत बताइए, 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत। तो पहला गुणज 7 के कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 बचे 35,
यही है 7 के 5 गुणज। 7 के 5 गुणज, 2 इधर निकला 2 इधर निकला, औसत क्या है 21। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 35 और 7 हो जाएगा कितना, 7 + 35 हो जाएगा 42/2, कितना हो जाएगा 21। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोग ये लगा रहे हैं तो लगातार संख्याओं का औसत जैसे कि सब में आया हुआ है, चाहे जो क्वेश्चन आ जाए, लगातार संख्याओं का औसत होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। ठीक है, बस इनका क्या है, इनका अंतर जो है समान। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकले। जैसे कि आपसे पूछा जाए, अब बढ़िया से क्वेश्चन लेते हैं, 2016 SSC के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि बताइए क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन था कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, 5 लगातार संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, यही 5 संख्याएं होंगी। 5 संख्याओं का औसत क्या है 33। आप जानते हैं कि औसत एकदम बीचों बीच आता है, तो बीचों बीच वाला नंबर कौन है ये, मतलब इसका मान कितना होगा 33। अगर ये 33 है, सारी संख्याएं लगातार हैं, तो ये संख्या क्या होगी 34, ये संख्या क्या होगी 35। बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या अगर पूछा होता तो ये हो जाता 32 और ये हो जाता 31, सबसे छोटी संख्या क्या है। आपको ये जो है एकदम आसान तरीका, एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, CHSL में आया हुआ है आपका एक क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में, जैसे कि दिया हुआ है बताइए प्रथम छह संख्याओं का औसत अगर 14 है तो बताइए, प्रथम छह संख्याओं का औसत 14 है तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, प्रथम छह विषम संख्याओं का औसत 14 है तो सबसे बड़ी संख्या। आप देखिए प्रथम छह संख्या, 3 इधर 3 इधर, बीचों बीच में ही औसत होगा, तो अगर बीचों बीच में औसत है तो औसत कितना है 14। सारी संख्याएं विषम है, अगर ये 14 है तो इसके बाद क्या आना चाहिए 15, इसके बाद क्या आना चाहिए 17, इसके बाद क्या आना चाहिए 19, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल गई 19। इधर क्या आता 13, इधर आ जाता 11 और इधर आ जाता 9। सबसे छोटी संख्या पूछता आप क्या निकाल देते 9, लेकिन आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ और देखते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है पूछा जाए कि बताइए प्रथम सात सम संख्याओं का औसत 26 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, प्रथम सात संख्या 1 2 3 4 5 6 7, लगातार ये 7 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 26। आप 3 इधर निकालिए 3 इधर निकालिए तो कितना हो गया, ये बच्चा बीच में, ये क्या है 26। अब ये सब सम संख्याएं, अगर ये 26 है तो ये क्या होगा 28, ये क्या होगा 30 और ये क्या होगा 30, ये होगा 24, ये होगा 22 और ये होगा 20। पूछा गया है कि पहली और आखिरी का अंतर बताइए 20 और 32 का अंतर कितना है 16। ये आपको ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बहुत कम तरीके में जो है कैसे निकाल सकते हैं, बहुत कम समय में हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आप जानते हैं कि ये 7 संख्याएं हैं तो 7 संख्याएं इनके बीच का गैप कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6, और हर गैप कितने के बराबर है, सम संख्या है तो 2 ही के बराबर है। जितनी संख्या देगा, 7 संख्या देगा तो 6 गैप बनेंगे,
आठ संख्या देगा तो सात गैप बनेंगे, जितनी संख्या देगा उससे कम गैप बनेगा, यहाँ सात संख्याएं दिया हुआ है तो छह गैप बनेंगे, और एक गैप कितने के बराबर है, दो के बराबर है, तो कुल गैप कितने का हो गया, कुल गैप हो गया बारह का, जो अभी हम लोग निकाल। और भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि और मैं कुछ लेता हूं, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए बताइए चार जो है विषम संख्याओं का औसत, चार विषम संख्याओं का औसत दस है, चार विषम संख्याओं का औसत दस है, तो बताइए पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना है, ठीक ना। आपको सवाल से कोई लेना देना नहीं, अगर चार विषम संख्याएं हैं तो गैप कितना बनेगा, तीन, और हर विषम संख्या दो के बाद आती है तो तीन का गैप बनेगा, और दो मतलब कितना अंतर होगा पहली और आखिरी में, छह का। अभी हम लगा के बता देते हैं आपको, एक दो तीन चार, ये सब विषम संख्या है, दो इधर निकला, औसत इसी बीच में आएगा, इसी बीच में औसत है, औसत क्या है दस, अगर ये दस है तो ये ग्यारह होगा, और ये क्या होगा तेरह, विषम संख्या है, अगर ये दस है तो ये नौ होगा, ये क्या होगा सात, ये हो गया, पहली संख्या सात हो गई, आखिरी संख्या तेरह हो गई, तेरह और सात का अंतर कितना है छह, जो कि हम लोग एक सेकेंड में यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जितना आपसे पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे पूछा जाए कि बताइए लगातार 40 संख्याओं का औसत, या 41 संख्याओं का लगातार 41 सम संख्याओं का औसत 32 है, लगातार 41 सम संख्याओं का औसत जो है, लगातार 41 सम संख्याओं का औसत जो है 32 है, तो बताइए पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। अब यहाँ हम ये नहीं करेंगे कि पूरा 41 संख्या ऐसे लिखें और पहली संख्या पता करें फिर आखिरी संख्या पता करें तब उनके बीच का अंतर बताएं। मैंने बताया आपको कि जितनी भी संख्याएं होंगी अंतर उसका एक कम होगा, संख्याएं कितनी है 41, इसका मतलब अंतर कितना होगा 40, और सम संख्याएं हैं जैसे सम संख्या एक चार है, दूसरी संख्या छह है, तीसरी संख्या आठ, मतलब अंतर हमेशा कितना होता है, सम संख्याएं हमेशा दो के अंतर पे आती है, तो 41 संख्याएं हैं तो 40 का गैप बनेगा, और एक गैप जो है दो के बराबर होता है तो कुल जो है कितना गैप हो जाएगा 80 का गैप हो जाएगा, पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 80 का। तो उम्मीद करता हूं जो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लगा सकते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा आपको, एक कॉन्सेप्ट है एक बार आया हुआ है 2014 के एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया है कि अगर सभी संख्याओं में जैसे दिया हुआ है x1 x2 x3 x20 का औसत 40 है, X1, X2, X3 ये 20 संख्याएं हैं जिनका औसत 40 है। अब पूछा जा रहा है कि अगर X1 माइनस Y कर दें, ठीक ना, X1 माइनस Y कर दें, X2 माइनस Y कर दें, X3 माइनस Y कर दें, ऐसे ही X20 माइनस Y कर दें तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जैसे ही आप ऐसा जानेंगे आपको तुरंत पता होना चाहिए कि जो भी हम नंबर के साथ करते हैं सभी नंबर के साथ वही हमारा औसत के साथ भी हो जाता है, तो औसत भी हमारा हो जाएगा 40 माइनस वाई। अब ये बात कैसे होगी इसको मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या 10 है, तीसरी संख्या 12 है, ये 14 है और ये 16 है, जिनका औसत कितना होगा 12, बीचों बीच 12 है, औसत हो गया 12। अगर मैं कहूँ सभी संख्याओं में अगर मैं दो जोड़ दूं, अगर सभी संख्याओं में मैं दो जोड़ दूं, ये 8 था कितना हो जाएगा 10, ये 10 था हो जाएगा 12, ये 12 है कितना हो जाएगा 14, ये 14 है 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, तो अब हमें नया औसत मिल गया, नया औसत कितना मिल गया हमें 14, मतलब औसत में भी क्या हो गया दो जुड़ गया, जो मैंने सभी संख्याओं में किया वही हो गया क्या औसत में, तो
आपको एक तरीका याद रखना है कि जो अगर सभी संख्याओं में घटा रहे हैं तो औसत भी उतना घट जाएगा, सभी संख्याओं में जोड़ रहे हैं तो औसत भी उतना जुड़ जाएगा, अगर सभी संख्याओं में गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी उतना क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, सभी संख्याओं में भाग कर रहे हैं तो औसत में भी भाग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हम सभी संख्याओं में दो से भाग कर देते हैं, इसको दो से भाग कर देंगे चार हो जाएगा, ये हो जाएगा पांच, ये हो जाएगा छह, ये हो जाएगा सात और ये हो जाएगा आठ। अब देख रहे हैं औसत कितना हो गया, औसत हो गया छह। छह क्यों हो गया, क्योंकि औसत में भी दो का क्या हो गया। आप जो भी करते हैं एक आप लिख सकते हैं आराम से कि सभी संख्याओं में अगर जोड़ दें, गुणा करें, भाग करें या माइनस कर दें या घटा दें, तो ये सभी संख्याओं में जो भी करते हैं उसका प्रभाव औसत पे पड़ता है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी बात को समझाने के लिए आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है कि एक दिया हुआ है 14, 18, 17, 14, 18, 18, 22 देखना और ये 26, 21 ये देखें 14, 4, 18, 18, 4, 22, 22, 4, 26, 26, 34 गैप हमेशा बराबर है, मतलब ये सारी संख्याएं लगातार हैं। अब दिया हुआ है, जैसे कि यहां तो पता ही है आपको इसका औसत कितना है 22। अगर सभी संख्याओं में हम चार चार जोड़ दें तो नया औसत कितना होगा, इसका औसत कितना है 22। अगर सभी संख्याओं में हम चार चार जोड़ दें तो 14 में चार जोड़ेंगे हो जाएगा 18, 18, 22 ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 34। तो आप बताइए नया औसत क्या है। अब देख रहे हैं नया औसत कितना हो गया है 26, पीछे यही आ रहा है, मतलब औसत भी कितना बढ़ गया है 4, क्योंकि हमें सभी संख्याओं में चार क्या क्या है जोड़ा है, तो नया औसत कितना आ गया 26। ठीक है, एक बार 2013 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि लगातार लगातार सात संख्याओं का औसत, लगातार सात संख्याओं का औसत एवरेज औसत सी, अगर सभी संख्याओं में तीन घटा दिया जाए तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, औसत पे क्या प्रभाव। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन था कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव नहीं। दूसरा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी था C-3, ऑप्शन नंबर सी था C+3 और ऑप्शन नंबर डी था कितना C×3। यही सब ऑप्शन थे आपके। अभी मैंने बताया है कि लगातार सात संख्याओं का औसत जो है सी है, यदि सभी संख्याओं में हम सभी में तीन घटा दें तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने आपको अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, घटाएंगे तो क्या जाएगा, घट जाएगा। तो जो भी हमारा औसत पहले से सी है, अब सब में तीन घटा रहे हैं तो औसत में भी तीन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, C-3। यहां तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप आराम से वीडियो को देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा जो है। अब कुछ और भी क्वेश्चन आए हैं जिनको मैं आपको बता दूं। जैसे दिया हुआ है यहीं पे ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लगातार पांच संख्याओं का औसत औसत यन है जो यम से शुरू होती है, जो यम से शुरू होती है उनका औसत क्या है यन है। तो लगातार उन छह संख्याओं का औसत बताइए जो यम प्लस टू से शुरू होंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं, लगातार पांच संख्याओं का औसत यन है जो यम से शुरू होती है, जो यम से शुरू होती ठीक है। तो उन छह संख्याओं का औसत बताइए
बताइए जो यम प्लस टू से सो। ये क्वेश्चन ठीक है, आपके ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी मैं देता हूं। अब लगातार पांच संख्या है, एक दो तीन चार पांच संख्या। अब इनका औसत क्या है? यन। इनका औसत है यन, लेकिन ये संख्या शुरू किससे है? यम से। अगर ये लगातार संख्याएं हैं, ये यम होगा तो यम से एक आगे ये यम प्लस वन होगा, ये यम प्लस जो है ये एम प्लस टू होगा, ये यम प्लस थ्री होगा और ये यम प्लस जो है फोर होगा। यही पांच संख्याएं होंगी, यही लगातार पांच संख्याएं होंगी। अब इनका औसत, इनका औसत ये बीच में होगा और इनका औसत दिया हुआ है एन। अब पूछ रहा है कि तो उन छह संख्याओं का औसत बताइए जो यम प्लस टू से शुरू है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी मैं दूंगा। जैसे ये एम प्लस टू से शुरू है तो इसको हटा देते हैं, ये पहली दूसरी तीसरी, अब ये आएगी चौथी संख्या यम प्लस फोर, ये आएगी पांचवी संख्या यम प्लस फाइव और ये आएगी यम प्लस जो है एक दो तीन चार पांच छह संख्याएं होंगे। अब इनका औसत बताना है तो इनका औसत बीचों बीच क्या है? तीन इधर बीचों बीच तो यही है, बीचों बीच जो है तीन चार, गलत हो गया थोड़ा सा, ये चार है, ये पांच होगा, ये छह होगा, ये कितना होगा? बीचों बीच बताना है क्या होगा। अगर हमारा ऑप्शन होता तो यहाँ बीचों बीच हम बता देते यम प्लस फोर और यम प्लस फाइव के बीच में औसत होगा, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका यन यन प्लस फाइव, यन प्लस फाइव बाई टू और यन प्लस सारे आंसर यन में दे रहे हैं, यन प्लस फाइव बाई इसमें है। आप देखिए ये क्या है, पहला ये है, ये है, ये है, सारे आंसर यम में है लेकिन हमें आंसर देना है यन में, तो हम क्या करते हैं यन में लिखते हैं इस संख्या को। अगर ये यन है तो ये यन प्लस वन होगा, ये यन प्लस टू होगा, ये यन प्लस थ्री होगा, ये यन प्लस फोर होगा और ये यन प्लस फाइव। अब देखिए औसत क्या है, औसत इधर ही बीच में है, औसत क्या है इन्हीं दोनों के बीच में, इस संख्या और इस संख्या के बीच में, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका हम बीच में दो और तीन के बीच में क्या हो जाएगा, ढाई, यन प्लस ढाई और यन प्लस ढाई वाला आंसर कौन सा है, दो तीन के बीच में क्या आएगा, ढाई आएगा, तो इसीलिए हम इस संख्या का आंसर करेंगे। यम में हमारा आंसर नहीं था इसीलिए हमको इसमें यन में लिखना पड़ा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो जो है मुझे लगता है यहीं पे तो रुकना चाहिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे, आप ही इनको देखिए और समझिए, हम लोग एक कंप्लीट मैथ आपके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट पूरा मैथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको एक जो है वीडियो मिलता रहेगा, आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए ताकि हमें पता चले इसमें क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या जो है इसमें और सही करने की चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।